हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उन्होंने काफी समय देखा है पॉलिटिक्स का, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस बढ़िया पार्टी रही या मोदी सरकार? मोदी सरकार से बढ़िया कोई पार्टी नहीं, और जब तक मोदी जी हैं संसार में जो भारत का डंका बजता रहेगा, और चौथी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी होने वाली, भारत चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, और मोदी जैसा कोई नेता आज तक हुआ नहीं, और सारे विश्व में जिसका रैंक पहला है, सारे विश्व में इनके जैसा रैंक वाला कोई नहीं। भारत के पूर्ण विकास में अगर किसी का योगदान है तो केवल मोदी जी का योगदान है। और बहुत लंबा समय राजनीति का भी देखा है, तो उसमें ये सरकार आपको बेहतर लग रही है? यही सब, मोदी से बढ़कर के बढ़िया सरकार कोई नहीं है, जिसने समझ ऐसा नहीं, हर प्रकार का विकास, हर प्रकार का विश्वास, हर प्रकार के जो है मतलब कि आगे देश की बढ़ाने की क्षमता एकमात्र मोदी में है, और सबने तो लूटा है, लेकिन आज तक जो मोदी ने अपना एक घर भी नहीं है जिसका, हर प्रकार से जिसने त्याग किया है वो केवल मोदी है, और ऐसा मोदी ऐसा है जो कि भारत को आगे बढ़ा सकता है, और कोई नहीं बढ़ा सकता। और तो देखिए एक बात और बताएं, जिस दिन अगर कदाचित, वैसे तो होगा नहीं, कदाचित अगर दूसरा कोई भी आ गया तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, बंगाल अलग लेके भाग जाएगा, तमिलनाडु अलग भाग जाएगा, लगातार हमला कर रहा है कि मोदी सरकार, मोदी सरकार बार बार ये अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। ये ऐसा है कि इनके, इनको कुछ न कुछ कहना है, या कुछ कुछ कहना है, कहने वाले बहुत हैं, कहने अगर नहीं कहेंगे तो इनको विपक्ष कौन कहेगा, लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये है कि मोदी जैसा कोई नहीं है, ऐसा नेता न हो तो न भविष्य न हुआ है न होगा। तो 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से हम बात करेंगे, कैसा लगता है इस बार 400 पार का नारा? बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी सरकार ही आएगी, मोदी जी के कोई दूसरा विकल्प नहीं है लोगों पर। मोदी जी ने अयोध्या में राम लला जी को विराजमान किया है, सबसे हमारे लिए बड़ा काम किया है, धारा 370 हटाई है, पूरे देश में सभी जाति धर्म को देखकर चल रहे हैं, कोरोना काल में वैक्सीन इन्होंने दिलाई, नहीं तो वैक्सीन बिकने लगी थी, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर हम मोदी सरकार को लाएंगे तो आगे भी एक अच्छा नया काम होता चला जाएगा और विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना विकास किया है? विकास तो जी सड़कें देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, विकास ही विकास है। और कन्हैया कुमार के बारे में तो आप सब जानते हैं, कन्हैया कुमार JNU में क्या करा इसने, JNU में कितना उपद्रव करा इसने, नारे लगाए देश के खिलाफ, तो ऐसे कन्हैया कुमार को हम वोट क्यों दें? हम वोट देंगे मनोज तिवारी जी को, जो मनोज तिवारी जी यहाँ पर विकास करेंगे, और आगे पहले भी किया और आगे भी करेंगे। और कन्हैया कुमार की तो सब जानते ही हैं कि कन्हैया कुमार JNU में कितना उपद्रव किया कन्हैया कुमार ने, JNU में नारे लगाए कन्हैया कुमार ने, तो हम सब JNU वालों के खिलाफ है, जो तुम्हारे कन्हैया कुमार ने वहाँ पे नारे लगाए देश को तोड़ने के लिए, उसने क्या क्या रणनीति बनाई, ऐसे कन्हैया कुमार के खिलाफ है। विकास के नारे लग रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रही जा रही है, केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उनके साथ कोई साजिश नहीं हो रही, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसका वो फल भोग रहे हैं। हमारी मोदी सरकार है, इन्होंने विकास किया है, राम भगवान का मंदिर बनवाया है, हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माथे पर तिलक है और मनोज तिवारी जी का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, वो बिल्कुल जो 4 लाख वोटों से जीतेगा मोदी, मनोज तिवारी 4 लाख वोटों से जीतेगा, हर हाल जीतेगा, और राम मंदिर जैसे राम मंदिर बनवाए इसी प्रकार। कन्हैया कुमार नहीं कन्हैया साहब किसी कीमत नहीं, पीछे गया, डाउन गया बिल्कुल, मनोज तिवारी जीतेगा 4 लाख। कार्यालय के उद्घाटन पे उन्होंने कहा CBI ED को बुला ले, कोई भी बुला ले, मैं डरता नहीं हूँ। मनोज तिवारी जीतेगा, कन्हैयालाल जी आ रहेंगे, अरलत आ रहेंगे, किसी कीमत नहीं जीतेंगे, दावा कर रहे इस बात का हम। सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगे दिल्ली के अंदर। अब की बार 400 पार निश्चित रूप से। मनोज तिवारी एक बहुत ही परिश्रमी मेहनती व्यक्ति है और कलाकार भी है और पूरी तरह से समर्पित है। भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियां एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। इसी तरह से कांग्रेस भी एक पार्टी, और वो परिवारवाद की होते हुए उसका परिवार ही कांग्रेस को लेकर के डूब जाएगा, क्योंकि जिसको इतनी तहजीब नहीं है, जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है उसको तहजीब नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या तू तड़ा किस शब्द वो इस्तेमाल करता है, यही उसका
उसको आगे बढ़ने की सोचता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, पार्टी को लेकर डूब जाएगा, बिल्कुल खत्म। कांग्रेस जो है कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है। जहाँ तक उसकी बात है कि जैसे और सब भाई भतीजे फलाने पत्नी और ये वो जो है वो उनके परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं, और ये पूछा जाता है कि मोदी से कि आपका क्या परिवार है, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि ये हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान का जो जो भी हिंदुस्तानी है वो मेरे परिवार है, वही मेरा परिवार है, और मैं उसी परिवार को ये भलाई के लिए नतमस्तक हूँ और परिश्रम में।